टीम इंजमाम उल हक को दूसरी नौकरी की इजाज़त मिल गई। लाहौर कलंदर शुएब अख्तर के साथ इंजमाम उल हक को भी टीम मेंटोर्स बनाने जा रही है। ज़रा के मुताबिक इंजमाम उल हक ने नजम सेठी से टीम खरीदने और लाहौर कलंदर का मेंटोर बनने की इजाज़त मांगी थी, जबकि पीसीबी के चेयरमैन ने इनको मशरूत इजाज़त दे दी है। इसके अलावा आपको मज़ीद बताएँ कि इंजमाम उल हक इन दोनों फराइज़ के दौरान पीसीबी से तनख्वाह नहीं लेंगे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए नुमाइंदा बिजनेस प्लस हामिद खान लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी हामिद, मज़ीद अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी शुएब अख्तर के साथ साथ जैसा कि आपने बताया कि इंजमामुल हक की ट्रैक्टर्स को भी लाहौर कलंदर का मिंडोज बनने के लिए की इजाजत दे दी गई है, लेकिन ये इजाजत जो है मशरूत दी गई है। इसमें तीन शरायत रखी गई है। नंबर पहली शर्त तो ये रखी गई है कि वो जिस दौरान वो लाहौर कलंदर के मिंडोज रहेंगे तो वो पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी से किसी किस्म की तनख्वाह नहीं देंगे और वो बगैर तनख्वाह के रहेंगे। जो अगर उन्होंने कुछ तनख्वाह है तो वो अपनी वो लाहौर कलंदर से लेंगे। दूसरी उन्होंने कहा कि जो कोचेज होते हैं वो टीम के साथ डी आउट में बैठते हैं जब मैचेस होते हैं, लेकिन इंजमामुल हक पर क्योंकि उसकी ट्रैक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे उन पर ये पाबंदी है कि वो डी आउट में नहीं खिलाड़ियों के साथ बैठेंगे, वो अपना जो स्टेटस है उसको बरकरार रखेंगे और वो बिल्कुल खुद को अलग थलग रखेंगे। और तीसरी अहम शर्त जो उनको साथ लगाई गई है वो ये लगाई गई कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को उनकी जरूरत होगी वो तमाम अपनी मसरूफियात जो लाहौर कलंदर के साथ वाबस्ता है उसको खत्म करते हुए वो टीम को वक्त देंगे। इस पर वो अगर के नींद रजामंद हो गए, लेकिन अभी तक जो है जराए ये कह रहे हैं कि पीसीबी तो उसकी तस्दीक कर रहा है, लेकिन जब हमने लाहौर कलंदर के जो सीईओ है राणा आतिफ उनसे भी कुछ देर कबल मुझे मेरी बात हुई तो उन्होंने इस चीज को भी डिनाई किया। उन्होंने कहा कि अभी हमारी इस तरह की कोई प्रोग्राम या मिंटोस तो बनाने का ये एक पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि दुबई में जो लीग शुरू हो रही है उसको कामयाब करने के लिए ये पीसीबी के जो नुमाइंदा है यकूब उसने ये खबर लीक की है। इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इंजमाम इंजमाम को मेंटोर नहीं रख रहे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कल वो जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इंजमाम उल हक और शुएब अख्तर साथ होंगे उसमें हम अहम ऐलान करेंगे। अब वो क्या ऐलान करेंगे इसका कहना अभी कब्र वक्त होगा, लेकिन अभी ये देखना है कि पीसीबी ये कह रहा है कि वो मेंटोर जा रहे हैं, नजम सेठी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उनको इजाजत दे दी है, लेकिन राणा आतिफ जो कि सीईओ है लाहौर कलंदर के उनका ये कहना है कि हमने किसी किस्म का उनके साथ कोई मुआहदा नहीं किया, वो मेंटोर्स नहीं आ रहे। अभी इन दोनों के दरमियान इस बयानबाजी जारी है, लेकिन असल सूरत हाल हमें कल 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मालूम होगी कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमाइंदा बिजनेस प्लस आमिर खान, हमें खेल के मैदान से अहम तरीन अपडेट से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंजमाम उल हक को दूसरी नौकरी करने की इजाज़त मिल गई है, जबकि लाहौर कलंदर शुएब अख्तर के साथ इंजमाम उल हक को भी टीम मेंटोर्स बनाने जा रही है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल